अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद महबूब आलम, आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। इस वक्त मौजूद हूँ विपरीत चौक में, या पार्टी ऑफिस के हमारे जो मंत्री साहब है कैबिनेट, उनके सामने हम यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे ईद के मौके पर। यहाँ आप जान ही सकते हैं कि तमाम भाइयों को हमारी तरफ से वॉइस ऑफ इंडिया के जितने भी हमारे देखने वाले यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में, सभी को मेरा तरफ से तहदिल से ईद मुबारक। आइए हम पेश करते हैं जनाब गुलाम रब्बानी साहब, कैबिनेट मिनिस्टर। सर, सबसे पहले बताइए कि अस्सलामुअलैकुम, जो ईद के मौके पर क्या मैसेज देंगे ग्वालपुर लोगों को? ईद, अब पहले तो सबको ईद मुबारक, ईद उल अदा की हम सबको जो मुबारकबाद पेश करते हैं। और ईद की नमाज़ बड़ी पीसफुल्ली हो गई सब जगह, छोटे छोटे जमातों में हुई है, सोशल डिस्टेंस और मास्क पहन के हुई है, इसके लिए काफ़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात यह है कि ये फेस्टिवल जो है ये सबका है, धर्म अपना अपना होता है। और इस फेस्टिवल को ख़ासतौर से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे हुकूमत, हमारे गवर्नमेंट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर फेस्टिवल को वो इम्पोर्टेंस दे करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन के कान आँख खुला हुआ रखने का आदेश देते हैं। और पीस और हारमोनी को मेंटेन करते हुए हम लोग ईद मनाते हैं, पूजा मनाते हैं, उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप का जो फेस्टिवल वो मनाते रहते हैं। सबों को पहले हमारा ईद का शुभेच्छा और अभिनंदन। और साथ साथ जो है कोरोना, अभी जो थर्ड वेव आने की संभावना है, उससे भी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ में हम ज़्यादा न रहें, मास्क सैनिटाइजर व्यवहार करते रहें हम। और ख़ास तौर से आज ये कुर्बानी का दिन है, ये बकरीद का दिन है, ईद उल अदा की दिन है, इस दिन में हम ये कहेंगे जितने भी लोग कुर्बानी दें उनके बड़े होशियारी से दें, और जो उनका जो वेस्टेज पार्ट्स होता है उनको मिट्टी में मिट्टी को खोद करके जो है उसको डाल दें, ताकि किसी को तकलीफ ना। साथ ही साथ में अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि माध्यमिक रिजल्ट जो 20 जुलाई 2021 को जो रिजल्ट माध्यमिक का स्टूडेंट को, जो किसी को टॉप मिला है, किसी को स्टार, और ज़्यादा से ज़्यादा 95% पास ही हुआ है, सर क्या मैसेज देंगे सर? ये तो हम लोगों का गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि हमारे सब बच्चे जो है पास कर गए हैं और अच्छे अच्छे नंबर से पास किए हैं। सबको पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और मैट्रिकुलेशन जो है उनका फर्स्ट पिलर होता है, फर्स्ट पिलर अगर अच्छा हो गया तो सेकंड पिलर भी अच्छा हो जाएगा, थर्ड पिलर भी अच्छा होगा, छत भी अच्छा हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी अच्छी कटेगी, उनका वो अपने लाइफ में जो है अच्छी ऊँचाई तक, काफ़ी कामयाबी तक जो है वो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे जनाब गुलाम रब्बानी साहब, MLA कैबिनेट मिनिस्टर TMC के, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप लोग देख रहे थे। तो ईद के मौके पर कुछ सवाल थे, तो इस तरह से हम खबर आपको देने के लिए हमारे चैनल YouTube सब्सक्राइब, यानी हमारे वॉइस ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम हर न्यूज़